वो आ रही थी ना मैसेज के रोशन भाई की गर्लफ्रेंड कौन है, आज पता चल जाएगा क्योंकि टैटू रोशन भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही कराने आए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम टैटू कराएंगे। रोशन भाई का टैटू बन चुका और अब आप देखने वाले हो क्या बनवाया है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सबके। तो भाई आज का व्लॉग जो होने वाला वो बहुत ही अच्छा होने वाला, तो एंड तक देखना क्योंकि आज बनवाने जा रहे हैं हम रोशन भाई के हाथ पे टैटू। ये रहे, पर भाई जो टैटू बनवाना है वो अभी आपको हम बताएंगे नहीं, वो आपको जब बनवाएंगे जब ही दिखाएंगे, क्योंकि पहले टैटू दिखा देंगे तो पता क्या चलेगा आपको हमने क्या बनवाया। भाई पता तो चल जाएगा लेकिन बाद में दिखाने का एक अलग ही मजा होता है ना। तो अभी वैसे हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, अभी कोई पता नहीं चला कि टैटू कहाँ बनाए। अगर आपको पता है कहीं अच्छा टैटू बनता तो कमेंट कर दो, पर जब तक आप कमेंट करोगे तब तक हम बनवा चुके होंगे। रोशन भाई दोबारा बनवा लेंगे, जब मैं बनवाऊंगा ना तो फिर मैं उस जगह पे आऊंगा। अगर आपको कोई अच्छा टैटू वाला पता है तो भाई कमेंट कर देना। बाकी अभी हम निकल रहे हैं, अभी रोशन भाई ने किसी से अपॉइंटमेंट लिए किसी से अपॉइंटमेंट? हाँ अपॉइंटमेंट, वो तो वो है ना, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो भाई अभी तक टैटू वाला हमें मिला नहीं है, अभी हम घूम ही रहे। तो इतने में जाट भाई के मन में एक वो आया शेर, वो शेर सुनाने वाले, कह रहे भाई सबको सुनवाएगा तो मजा आएगा। तो भाई सुनाओ क्या सुनाने वाले थे? शायरी है। शायरी? हाँ शायरी। आगे को आ जाओ भाई, पहले थोड़ा यहाँ को आ जाओ सीट पे। वो बड़ी प्यारी सी शायरी है, सुनाओ। बड़ी बेहतरीन, आदमी का दिल निकाल कर रख दूंगा आज। अच्छा, के मत पूछ। अबे यार मैं तो भूल गया कैसा शायर है भाई अपनी शायरी भूल गया भाई कैसा शायर है यार भूल तो बता भाई। चलो तुम्हें पता मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी बहुत सारे वो होते हैं, मुझे दिन रात लिखना पड़ता है, मैं बड़ा राइटर बनूंगा। चलो भाई अब सुना दो, अब ऑडियंस कह रही है सुना दो जाट भाई। ठीक है भाई सुनो, 1 2 3 चेक सुनाओ। मत छेड़ मत कुरे तू जख्म इस दिल के, जख्मी दिल का सुल्तान हूँ मैं। जख्म इस दिल के, जख्मी दिल का सुल्तान हूँ मैं। मत खोल तू कब्र इस दिल की, ये समझ के कब्रिस्तान हूँ मैं। मौज कर दी भाई, मौज कर दी। एक बार उजड़ के फिर दोबारा नहीं बस सका, वो बेबस इंसान हूँ मैं। गलता गलता गल ही गया, ऊपर से नाम का चौधरी मगर इंसान। एक नंबर का घटिया शेर हो तो बढ़िया शेर। एक नंबर भाई, एक नंबर भाई शेर सुना है। किसी को शेर और शायरी में इंटरेस्ट है तो वो जाट भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ये आपको सिखा देंगे जो भी शेर वेर मानना। तो भाई अभी चल रहे हैं फिर यार, टैटू वेटू बनवाते हैं। रोशन भाई क्या बनवाते क्या नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, तो चलो। मुश्किल में एक बंदे का नंबर मिला जो अब टैटू बनाएगा, वो शॉप वोप में नहीं है, मतलब अपने घर में ही टैटू बनाता है। और आपकी बहुत वो आ रही थी ना मैसेज के रोशन भाई की गर्लफ्रेंड कौन है, आज पता चल जाएगा क्योंकि टैटू रोशन भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही कराने आए तो चलो भाई क्या टैटू करवाते क्या नाम लिखवाते उससे आपको पता चल जाएगा। चले चलते उस भाई के घर पे जो टैटू बनाएगा है। तो भाई हम आ चुके हैं भाई के घर पर, और ये रहे भाई अपने ये टैटू करने वाले रोशन भाई के हाथ पर। अभी टैटू ड्रॉ कर रहे हैं फिर रोशन भाई के हाथ पर लगाएंगे इसको। ये भाई मुझसे मिले थे 1.5 साल पहले। अच्छा, वो भी मैं कॉलेज में था तो मेरे रवि भाई का बताया था एड्रेस, तो V3S मॉल में भाई किसी के पास काम करते थे तो वहां से मिला था मैं, ये भी इन्होंने ही बनाया था। तो 4 मंथ से मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, आज जाके डन हुआ है। और अभी मैं शर्ट वर्ट उतार के पूरा तैयार हूँ, टैटू यहाँ बनेगा। तो जो टैटू कराने वाले अभी बताना नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो अब तो भाई आपके पास कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? नॉर्मली इंस्टा से या फिर कॉल से। भाई बता दो कुछ अपने। मैं बता देता हूँ, भाई का लिंक हम इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत अच्छा वर्क करते हैं भाई, और अपने बहुत ही खास हैं, और हमारे लिंक से आओगे तो हमारा नाम लोगे तो जरूर आपके लिए डिस्काउंट मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं, काम अच्छा होगा। और बाकी मेरी गारंटी है
कि भाई अच्छे से अच्छा ही करके देंगे, वरना मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि अगर बिगड़ गया तो लोग गाली बकेंगे, रोशन भाई ने रिकमेंड किया था। बाकी मजा आएगा सबको और हाथ की कारीगरी अभी दिखेगी आपको। हाँ वो तो दिख जाएगी। भाई ना घर पे अपने ड्रॉ करते हैं, तो इन्होंने अपना यही सेटअप लगा रखा है। बाहर जाओगे तो शॉप पर जाओगे तो वहाँ पे ओनर की शॉप होती है, ज्यादा पैसा लिया जाएगा आपसे। भाई के पास सीधा आप आओगे तो सीधा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा पैसा, क्यों भाई? तो भाई से अगर टैटू कराना हो तो मैंने लिंक डाल दिया है उसमें, जो रोशन भाई ने बोला इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा भाई का डिस्क्रिप्शन। हाँ वही जहाँ पे बैठा डाल दिया है। तो भाई अभी चलो स्टार्ट करते। तो भाई पहले टैटू कराने से पहले सेव हो गया है ना, बाल उतारे जाएंगे। भाई के बाल देखो यार कितने बड़े हैं, बहुत मेहनत लगी होगी भाई ने बढ़ाने में, लग रहा भाई केयरिंग बहुत। तो भाई आपके बाल ये ऐसे ही कराए? नहीं मेरे शुरू से कर। अच्छा ये डिटॉल साबुन लग चुका है भाई? डिटॉल नहीं है। अच्छा ग्रीन सोप। अच्छा भाई बता क्या है भाई ये ग्रीन सोप होता है? अच्छा इससे बस मैं हाथ ही तो वो साफ करवाने आया हूँ फिर चल जाए बस इसके लिए। अभी क्या बनने वाला है भाई अभी किसी को नहीं पता। अच्छा अभी धागा कटेगा भाई क्योंकि टैटू पूरा इतना बड़ा होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक टैटू बहुत बड़ा बन जाएगा रोशन वैसे है ना, टैटू ज़्यादा बड़ा ना हो जाएगा पर अच्छा लगेगा भाई। हाथ भी तो है उस लायक। हाँ उस लायक हाथ भी है। तो भाई हाथ पूरा क्लीन हो चुका है, अब होगा इस पर ड्रो। ड्रो नहीं मतलब साइज वगैरह नाप आ जाएगा और फिर इस पर एक भाई ने पहली पेपर पे ड्रॉ कर लिया वो लगाएंगे इसके ऊपर। एक ड्रॉ हो चुका इधर अभी मतलब उसको दिख साइन कर रहे हैं। भाई मेहनत पूरी करेंगे, आलस का काम नहीं करेंगे भाई। हाँ भाई मेहनत पूरी हो रही है। टैटू करना स्टार्ट कर दिया भैया ने और टैटू अभी थोड़ा मैं दुपा रहा हूँ मतलब ताकि आपको दिखे ना। भाई दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है? अच्छा चलो भाई, वैसे रोशन भाई ने थोड़ा हिंट दे ही दिया आपको, भगवान का नाम लिखवा रहे हैं और भाई टैटू कर रहे हैं। थोड़ा दूर से ही दिखाता हूँ भाई, अभी जब फाइनल हो जाएगा फिर दिखाता हूँ मैं। तो भाई आधे से ज़्यादा टैटू कंप्लीट हो चुका, अभी फाइनल पे ही दिखाऊंगा आपको क्या लुक आता। भाई 1.5-2 घंटे लग गए हैं टैटू करने में, बहुत बड़ा टैटू कराया रोशन भाई ने। तो अभी थोड़ी देर में बस वो अभी फोम वोम से लगाएंगे उस पर और फिर ऐसे हटा के दिखाएंगे ना, वहीं पर दिखाऊंगा। अब भाई को टैटू बनाने देते, डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि हिल विल गया तो दिक्कत हो जाएगी है भाई। तो अभी बन रहा है बस दिखा दूंगा जैसे ही बन जाएगा। चलो फिर थोड़ी देर में मिलता है। हाँ तो भाई पूरे 6 घंटे के बाद रोशन भाई का टैटू तैयार हो चुका है और अब बस वो फॉर्म वोम से लगा रहे फिर हटा के दिखाएंगे। चलो अब आपको दिखा देता हूँ टैटू कैसा बना है। भाई रोशन भाई का टैटू बन चुका है और अब आप देखने वाले हो क्या बनवाया है। ये लो भाई, ये बनवाया भाई रोशन भाई ने, मस्त लग रहा भाई एकदम। हनुमान लिखा हुआ है और वहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, ये वाला श्लोक लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना आता भाई पढ़ लेना। और ये पूरा टैटू है। तो भाई भाई से टैटू करवा के कैसा लग रहा है? भाई अपने भाई से बनवाया है, अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा भाई आपको टैटू बना के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़े भाई का टैटू बनाया है, खुशी है। भाई बहुत मेहनत करी है भाई ने, मतलब एक एक बारीकी को देखते हुए और अपनी तरफ से एडिशनल कहा रोशन भाई ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, मैंने कहा रहे जो मर्जी वो करो और तो परफेक्ट देखो ये जो किया है भाई ने, एक एक चीज परफेक्ट आई है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी टैटू बनवाना चाहता है और अगर दिल्ली है या यूपी में भी कहीं अगर नज़दीक है तो घर पे भी आके बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अपने अगर यहाँ फ्लैट पे आके बनवाना चाहते हो वहाँ भी बनवा देंगे। तो भाई बस यही है कि टैटू कहीं ऐसी वैसी जगह मत बनवा लेना यार, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए होता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे राज भाई के पास आओ और परफेक्ट टैटू बना के देंगे ये, बाकी ट्रस्ट मेरा है और काम इनका है। लव यू। तो भाई आप एक बार अपना नंबर बता दो ताकि बंदे आ सके फोन वोन। मेरा नंबर है, मेरा नाम है राज, मेरा नंबर है 7210426335 और मेरी इंस्टा आईडी है tattooinc883। थैंक यू सो मच। तो भाई
ये इनका नंबर और इनकी इंस्टाग्राम आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे भी कांटेक्ट करना हो कांटेक्ट करो, ठीक है। मेरा नंबर इनके पास नहीं है, ये मत सोचना कि आप इनसे कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले लोगे, मेरा नंबर इनके पास नहीं है, इंस्टाग्राम से ही ये नहीं है, मुझे मैसेज करते हैं भाई। चलो भाई, तो लव यू ऑल, बाकी आप इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करना। भाई रोशन भाई का टैटू अब बन चुका, अब हम निकल रहे घर के लिए, बस अब शर्ट वर्ट पहनेंगे रोशन भाई और थोड़ी सी फिनिशिंग और दे रहे, वो होने के बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। सुबह आए थे कितने बजे आए थे भाई? भाई आए थे 12 बजे आए थे और अभी 8 बज गए, 8:18 हो गए, अब घर के लिए निकल रहे हैं, तो बाकी चलते भाई। हाँ तो भाई रोशन भाई का टैटू हो चुका, आपने देख भी लिया हो, कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अभी हम घर के लिए निकल रहे, रात हो गए भाई, अब नेक्स्ट व्लॉग में। और जिस जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाके कर लो, मैंने कमेंट के अंदर इंस्टाग्राम आईडी पिन कर रखी है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।